अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक बैंड बनाऊंगा 90 डिग्री ट्रंकी की, 90 डिग्री डबल कट वाली, जिसमें मैं टोटली MM का यूज़ करूँगा मार्किंग का। पहले मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन कुछ दोस्तों का शिकवा है कि आप MM में क्यों नहीं बनाते। हालांकि होती वो MM ही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं इंचीज़ में करता हूँ, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना मेथड होता है, तो शायद किसी को, कुछ दोस्त हैं जिनको समझ नहीं आती। तो मैं आज जो है ना, एक 90 बनाऊंगा डबल कट वाली, जिसको मैं टोटली MM का फार्मूला यूज़ करके टोटली MM में आपको बना के दिखाऊंगा। तो दूसरी चीज़, अगर कोई दोस्त मुझे मैसेज करता है, तो काइंडली आप हेलो या है सेंड करने की बजाय अपना जो है ना वो मौकफ, अपना मसला, वो डायरेक्टली मुझे सेंड कर दिया करें, ताकि मैं आपको फौरी तौर पे जवाब दे सकूँ। अब हेलो या हाय का मैं क्या जवाब दूंगा? मैं खुद भी काम पे होता हूँ, कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता, तो फिर दोस्त शिकवा करते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते। अगर आप हेलो या हाय करेंगे तो मैं उसका क्या रिप्लाई दूंगा? तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना वो डायरेक्टली अपना मसला बयान करें, अपना बताएं कि मुझे यहां से समझ नहीं आई। तो मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं टाइम निकाल के इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो टाइम वेस्ट करने के बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा बैंड कैसा बनता है। तो हम आ गए अपनी ट्रंकी की तरफ। ये मेरे पास एक ट्रंकी है, छोटे साइज की है, दो एक 1/2 की है, ये जो 2 इंची है, और इसकी साइड जो है ना वो 1 इंची की है। मैं चूँकि साइड पे बैंड बनाऊंगा, तो मैं ये यूज़ करूँगा 2 इंची का साइज, 50 mm का साइज। तो ये फार्मूला सेम ही होता है। अगर मैं आपको इस ट्रंकी पे बना के दिखाता हूँ, जो भी फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, आप किसी भी साइज की ट्रंकी के ऊपर वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वर्क सेम ही करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हमने करना क्या है, क्योंकि मैंने ये वाली ट्रंकी है, इसको मैंने लेफ्ट या राइट मूव करना है। इसकी जो 90 है वो मैंने, फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने दीवार तक ला के, दीवार के साथ साथ मैंने इसको लेके जाना है यहाँ से, तो ये होगी मेरी राइट साइड की तरफ। तो इससे इसकी जो मार्किंग है, जो हम लोग कटिंग करते हैं, उसकी मार्किंग कैसे निकालते हैं, जो नीचे वाला साइज होगा ना, ये वाला साइज है इसका ट्रंकी का, ये है 50 mm। ठीक है, तो 50 को आपने क्या करना है जी, 50 को आपने 50 divided by 2.5, इसको आपने डिवाइड कर देना है। तो जो मार्किंग आएगी वो आपकी होगी मार्किंग, तो इसको आप डिवाइड करोगे ना, तो इसकी जो मार्किंग निकलेगी वो 20 निकलेगी, इसका जो आंसर आएगा वो 20। ये जो 20 है ना, इसका मतलब ये है कि हम जो इसकी कटिंग करेंगे, जो मार्किंग करेंगे, वो हम 20 की मार्किंग करेंगे। मेरी बहुत सी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं इंचेस का लफ्ज यूज़ कर जाता हूँ, तो कुछ दोस्तों को समझ नहीं आती। तो इस बार जो है ना, वो मैं डायरेक्टली टोटली MM में आपको बताऊँगा। तो ट्रंकी का साइज़ हो गया 50 mm, तो आपने इसको डिवाइड करना है 2.5 के साथ, और इसका जो आंसर आएगा वो 20 है, 20 होगा, और ये 20 mm की हम मार्किंग करेंगे ट्रंकी के ऊपर। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं जी, इस ट्रंकी को मैंने 500 पे बैंड डालना है। ये आपको मैं पूरा मतलब बैंड किस तरह डालते हैं, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से ये 500 बनता है, यहाँ से दीवार तक मैंने इसको मूव करना है डबल कट में। तो इसकी जो मैं मार्किंग, जो मुझे मार्किंग चाहिए वो 500 की चाहिए, इसकी डिस्टेंस 500 की चाहिए। तो इसको मैं पूरा इसकी मार्किंग किस तरह करूँगा, 500, उसके बाद आपने अपने माइंड में रखना है। तो जो मैं ट्रैवलिंग पॉइंट होता है, एक ट्रंकी ऐसे चलती है, उसके बाद ये और उसके बाद ये, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बस आप काइंडली समझ लीजिएगा। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया जो होता है, इसको ट्रैवलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आपने सबसे पहले ये वाला ट्रैवलिंग पॉइंट है ना, वो आपने अपने अपने माइंड में रखना है कि मैंने कितना रखना है ट्रैवलिंग पॉइंट, वो ट्रंकी के हिसाब से होता है। अब अगर ट्रंकी आपकी जो है ना वो 100 की है, उसको आप 200 रख सकते हैं या 150 रख सकते हैं, ट्रंकी के साइज से थोड़ा सा बड़ा करके आप रखें तो प्यारा लगेगा। बाकी जो फील्ड में आप लगाते हैं, वहाँ एरिया के हिसाब से भी होता है कि आपका गैप कितना है जगह का, उस हिसाब से आप छोटा या बड़ा भी इसको कर सकते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले ये माइंड में रखना है
कि हमने ट्रैवलिंग पॉइंट कितना रखना है, दो कट्स के दरमियान जो हमारा फासला है वो आपने कितना रखना है। तो मेरे पास जो ये ट्रंकी 50 mm की है, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ जी, मैं रखूँगा 100 mm, ठीक है। 100 mm जो मेरा दो कट्स के दरमियान फासला होगा वो 100 mm होगा। अब इसकी मार्किंग मैंने क्या निकालनी है, तो जो मुझे टोटल मेरी लेंथ, ये मैंने लिखा हुआ था बस आपको समझाने के लिए, टोटल मेरी लेंथ है मुझे वो 500 चाहिए, जो ट्रंकी का साइज है, जो उसकी डिस्टेंस मुझे बेंड की चाहिए वो 500 500 पे मेरा बेंड मूव होना चाहिए। तो इसका जो ट्रेवलिंग पॉइंट है वो मैं रखूंगा 100 mm, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसका फार्मूला मार्किंग निकालने के लिए क्या करना है, ये जो 100 mm है ना, इसको आपने 0.7 के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 70, ठीक है। इसका आंसर जो है ना वो 70 आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ट्रंकी का साइज है आपके पास उसको आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है, इसको करें ऐड, ये हो जाएगा जी 120, 120 आ गया। ये वाला 120 जो है ना, आपकी टोटल जो डिस्टेंस है आपके ट्रंकी का, जो गैप है टोटल टोटल लेंथ जो है वो 500 है। इस 500 से ये जो 120 है वो आप माइनस कर दें, 500 माइनस 120, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 380, ठीक हो गया। ये आपकी आएगी मार्किंग 380 की, जो पहली मार्किंग होगी वो 380 की होगी। यहाँ से आप ऐसे करें, ये ले जी, ये मैं यहाँ से 300 ये है और 380 ये है, ठीक है। ये 380 आ गया, मैं एल स्केल का जो है ना वो यूज़ करूँगा। यहाँ से आपने कितनी मार्किंग हमने निकाली थी, 20, ये 20 mm, ये 20 आ गया और ये वाला 20 आ गया, ठीक है। तो ये आपने तीन लाइनें लगा लेनी है 20 20 की, ठीक हो गया जी। आगे जो नेक्स्ट तीन लाइनें होंगी वो यहां से आपने 100 करना है, ट्रैवलिंग पॉइंट जो हमने आपको बताया हुआ था, ठीक है। 100 ये वाला होगा, इसके आगे फिर आपने 20 20 की मार्किंग कर देनी है, ये आगे ट्रेलिंग पॉइंट, और आगे फिर आपने 20 और ये वाला 20 मार्क करनी चाहिए। ओके, मैं जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी साइज का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ जाए, ये ठीक। ये हो गया, इसको भी मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है जी। ये देखिए, ये मेरी मार्किंग हो गई। तो आपने क्या करना है, इसको आपने इधर को मूव करना है, ये जो दीवार है इसके साथ मैं आपको मूव करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरी ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ऐसे इसने ऐसे इधर को मूव कर जाना है। तो आपने करना क्या है, ये इस साइड में मैंने मूव करना है, ठीक है। ये जब सीधी होगी ऐसे तो इसका मुंह मेरी तरफ आ जाएगा। तो आपने क्या करना होता है, ये तीन लाइनें लग गई तो उसके बाद आपने वी की शेप बनानी है, ये वाली, ये वी, ठीक है। जिधर को आपने मूव करना है, ये वी की दोनों लाइनें आपने, ये वी बन गई, ये देखें जरा वी बन गई है। तो जिधर से मैंने जिधर को मूव करना है, ये वी का जो दोनों लाइन है उस साइड साइड पे होनी चाहिए, वी की टांगे कह लें, लेग्स कह लें, ये उस साइड पे होनी चाहिए, ठीक है जी। ये देखें, ये आ गई उस साइड पे, ये जब मेरी इसको मैं सीधी करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी तरफ आ जाएगी और ये ट्रंकी मेरी इस तरफ बेंड होगी। तो जब तो आप करते हैं वेल्डिंग, किसी जगह पर वेल्डिंग का काम आता है, इसको स्क्रू लगाने के बजाय हमें जो है ना वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने वेल्डिंग करनी है। अगर तो आपने वेल्डिंग करनी है तो ये पूरे का पूरा वी आपको कटिंग करके बाहर निकालना पड़ेगा। इसको आप इस तरह भी ये वाली मार्किंग कर सकते हैं साइडों पे,
खाली सेंटर की कर लें तो काम चल जाएगा। आप तीन तीन लाइनें भी लगा सकते हैं, लेकिन सेंटर की लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। तो अगर तो आपने स्क्रू लगाना है, बैंड पे स्क्रू खाली लगाना है, तो फिर आपको ये सारा वी निकालने की जरूरत नहीं है। फिर आप जस्ट ये कटिंग करेंगे और ये वाला हमारा जो है ना वो ईयर बन जाएगा, कान बन जाएगा, इससे हम स्क्रू लगाने के लिए यूज करेंगे। तो अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ इसकी कि कटिंग किस तरह करते हैं, ठीक है। कटिंग के लिए इसको मैं यहाँ से ये वाली चीज़ जो है ना ये यहाँ तक काटूँगा, इसकी भी ये यहाँ तक काटूँगा, और इसका ये वाला एरिया जो है ना ये वाला एरिया मुझे रिमूव करना पड़ेगा, इसका भी ये वाला एरिया मुझे रिमूव करना पड़ेगा, सही है। तो अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ, मैं इसको सीधा करके रख लेता हूँ। ये देखिए हमारी टोटली कटिंग जो हो चुकी है, उसके बाद हमने फाइल के साथ जो है ना इसको अच्छे से अंदर से जो है ना वो क्लियर कर देना है, इसकी जो ये ऊपर फाइल के साथ इसको अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद ये आप इसको इस तरह बैंड कर लेंगे, देखें ये बैंड हो गया और ये बैंड हो गया, ठीक हो गया ऐसे। उसके बाद आप इसको स्क्रू लगा सकते हैं, आप इसको यहाँ पे इंची टेप रखें, ये हेल्थ केयर रखें, आप इसकी जो है ना वो ये देख सकते हैं कि ये इसकी 90 पूरी है या नहीं पूरी, इस तरह रख के आप इसको इसको पीछे कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह नजर आए। इस तरह करके आपने इसका ये जो गैप है ना ये सेम होना चाहिए, इधर से थोड़ा सा यहाँ तक आएगा, यहाँ पे हमारी 90 पूरी हो जाती है। तो अब मैं इसको जो है ना इसकी आपको करके दिखाता हूँ कि ये हमारी 5 साल पूरी भी है या नहीं है, ये 90 बन गई है। इसको मैं इस तरह करता हूँ दीवार के साथ, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे मैंने इसको लगाना है, ठीक है। अब उस दीवार से इसका ये फासला है, ये 5 होना चाहिए, ये देखे ज़रा अगर आपको नज़र आ रहा है तो, ये देखें पूरा 500 mm है और टंकी भी दीवार के साथ बिल्कुल लगी हुई है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ये मैं इस तरह आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ठीक हो गया। 500 mm की पूरी ये टंकी लगी हुई है। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे स्क्रू लगा देने हैं। तो इस तरह आप किसी भी ट्रंकी का, ट्रे का या लेडर का एमएमए बैंड निकाल सकते हैं, बैंड बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, फिर भी अगर किसी दोस्त को समझ नहीं आई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह पूरा रिप्लाई करूंगा। लेकिन जो है ना आप लोग समझा करें चीज़ों को, अगर किसी को एमएमए या सीएमए या इंचीज में समझ नहीं आती तो आप काइंडली उस चीज़ को फोकस करें, जो आपके पास इंची टेप है उसको देखें कि एक इंचीज में कितने एमएम हैं, एक इंचीज में कितने सीएम हैं। अगर कोई बंदा इंचीज का नाम लेता तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि एक इंचीज में 25 mm होते हैं। तो अगर आप एमएम में काम करना चाहते हैं तो आपको इससे कोई मसला ही नहीं होगा। अगर आपको इंची टेप, ये वाली चीज़ जो है ना इंची टेप, ये पढ़नी आती है, ये जो एक इंच है इसके दरमियान जो एमएम होते हैं वो होते हैं जी 25 mm,
अगर सीएम की बात करें तो वो 2.5 सीएम होते हैं। तो इस तरह आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। बाकी हर बंदे का अपना अपना तरीका है, अपना अपना जो है ना वो काम है, वो अपने तरीके से करता है। कोई कोई इंचज में करता है, कोई सेंटीमीटर्स में करता है, कोई मिलीमीटर्स में करता है। तो तरीका एक ही होता है, मकसद, अपना मकसद पूरा करना होता है, बैंड बनाना होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी दोस्त को समझ नहीं आई तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, चैनल पे जो है ना वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। ये लजीजिए हमारा बैंड पूरा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।